दोस्तों, भारत के इतिहास में कोहिनूर हीरा एकलौता ऐसा हीरा है जो आज तक कभी भी नहीं बिका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर क्या सच में कोहिनूर हीरा एक रोशनी का पहाड़ था? जी हाँ दोस्तों, दिखने में तो यह हीरा एक रोशनी का पहाड़ ही था, लेकिन इसके व्यवहार से यह हीरा अपने नाम से बिल्कुल ही उल्टा था। आखिर कोहिनूर हीरे में ऐसी कौन सी नकारात्मक बातें थी कि इसे पाने वाले हर व्यक्ति बर्बाद हो जाते थे? इस हीरे में ऐसा क्या था कि हीरे के दुष्ट प्रभाव को जानने के बाद भी लोग इसको पाने की चाहत रखते थे? ऐसा क्या होता था कि लोग इसके लिए लड़ पड़ते थे? आखिर यह चमकीला पत्थर अपने अंदर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा कर बैठा है? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोहिनूर हीरे का रहस्य और इसके सफर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोहिनूर हीरे की सफर की शुरुआत करने से पहले यह जान लेते हैं कि इस बेशकीमती हीरे की कीमत कितनी थी। यह बात हैरान करने वाली है कि अपने इतिहास में कोहिनूर हीरा एकलौता ऐसा हीरा है जो आज तक कभी भी नहीं बिका है। यह हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में मिला या इसको छीन लिया गया है। इस तरह से इस हीरे की कभी भी कीमत नहीं लगाई जा सकी है। लेकिन दोस्तों, कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से करीब 60 साल पहले एक पिंक हीरा 46 मिलियन डॉलर में बिका था, जबकि वो हीरा सिर्फ 24 कैरेट का था, जबकि वर्तमान में कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का है। इस हिसाब से वर्तमान में कोहिनूर हीरे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोहिनूर हीरे की आकार को कट नहीं किया गया होता तो इसकी कीमत और कई हजार करोड़ होती, क्योंकि कोहिनूर हीरे की सही माप 793 कैरेट था। तो चलिए अब हम लोग कोहिनूर हीरे की सफर के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहां के मजदूरों को एक बेहद ही चमकीला और बेहद ही सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरे से कई ज्यादा थी। उस वक्त इस हीरे का आकार एक छोटी गेंद जितना बड़ा था। किसी को भी यह पता नहीं था कि यह चमकीला हीरा आगे चलकर एक इतिहास और अभिशाप बनाने वाला है। सबसे पहले कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था, जहां से यह हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। यह हीरा काकतीय राजा के पास कैसे आया, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन यह बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पाने के सिर्फ 17 साल में ही काकतीय राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। काकतीय वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को एक युद्ध में समाप्त करके इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सन 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी तक यह हीरा विभिन्न मुगल राजाओं के पास रहा। इस हीरे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इस हीरे के कारण तुर्की वंश समाप्त हो चुका था, जिसमें सबसे पहला नाम बाबर के बेटे हुमायूं का था। इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया था। लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया। कोहिनूर हीरे की लालच में भारत के कई सारे राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। कई सारे राजाओं ने इस हीरे की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। अभी तक सिर्फ भारत में ही तबाही मची हुई थी। लेकिन अब वो समय भी दूर नहीं था कि जब यह हीरा भारत के बाहर भी मौत का तांडव शुरू करने वाला था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वह खुद मुगल का सम्राट बन गया। और इसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद
मुगल के कई शासक आए, लेकिन कोई भी अच्छा शासक नहीं था। और 1739 में फारसी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और मुगल सुल्तान पर आक्रमण कर दिया, और इस तरह से नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और अपने साथ मयूर सिंहासन के साथ वह हीरा भी ले गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नादिर शाह ने ही सबसे पहले इस हीरे को कोहिनूर हीरा कहा, और तभी से इस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा पड़ा। कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही सन 1847 में नादिर शाह को अपने ही लोगों ने मार दिया। नादिर शाह के हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए, और इस तरह से यह हीरा अफगानिस्तान राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया। लेकिन इस हीरे को पाने के बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई, और उसके बाद उसके बेटे शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा दुर्रानी कश्मीर में कैद हो गए, और महाराणा रंजीत सिंह ने उसे आजाद करवाया, जिसके कारण वो हीरा उन्होंने महाराणा रंजीत सिंह को दे दिया। और फिर इस तरह से यह हीरा लाहौर के राजा रंजीत सिंह के पास पहुंच गया, और उस समय लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और इस तरह से घूमते घूमते कोहिनूर हीरा वापस हिंदुस्तान पहुंच गया था। इसके बाद कोहिनूर हीरे को हड़पने के चक्कर में अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत बहुत ही आसानी से जीत सकता था, लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान सेनापति की मोर्चा संभालने वाला सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर से भाग गया, जिसके कारण इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई और 1839 में महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास पहुंचा, और 1849 में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को हरा दिया। और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत का नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगी। और सन 1849 में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा, और सन 1850 में कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट का हिस्सा बनवा लिया। साथ ही यह बात भी कही गई कि यह हीरा सदैव महिलाएं ही धारण करेगी। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम बन चुका है। और जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा, इसके बाद ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई, और धीरे धीरे जो ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वो कई देशों से पीछे चला गया है। और आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बना हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।